हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। अभी एक नई अनाउंसमेंट आई है जिसके बारे में हम थोड़ा सा कॉन्टम्पलेशन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। टाइगर 3 जो है वो अप्रैल से शिफ्ट होके अब आपको लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में दिखेगी, यानी दिवाली को। ये ऐसा क्यों हुआ होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा पकड़ते हैं दो चीज़ों को। एक चीज़ को तो पकड़ते हैं कि अभी हमने KGF का बहुत बड़ा सक्सेस देखा, 1 और 2, और फिर 3 किस समय के बाद आने वाली है। ऐसे ही बाहुबली, जिसके अंदर 1 या 2 साल का था, फिर ऐसे ही जो भी मूवीज होती हैं जिसके अंदर पार्ट्स के अंदर आती है, तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गैप देते हैं तो नेक्स्ट जब पार्ट आता है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट लेवल उतना ज्यादा होता है और कमर्शियली आपको उस लेवल का, जैसे कहते हैं ना, कि ओपनिंग मिल पाता है। ये चीजें हम ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं। पहला पार्ट चाहे जो कलेक्शन हो सिर्फ 50 के अंडर हो, KGF हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, और जब सेकेंड पार्ट आता तो आप रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो, मतलब 400 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस हो गया हिंदी के अंदर ही। तो इस तरीके की जो एक्साइटमेंट होती है तभी बनती है जब थोड़ा सा गैप होता है यूजुअली। अब अगर आप देखेंगे टाइगर जो है आपको पहले कब विटनेस होगा, विटनेस आपको ये जनवरी के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनका रोल आपको दिखेगा पठान के अंदर। पठान आपकी आपको देखने को मिल जाएगी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जब टाइगर आ जाएगा तो अचानक से, क्योंकि जनवरी तो एंड है, तो क्या रहेगा, सिर्फ फरवरी, मार्च और अप्रैल में आप कह रहे हो कि आप लेके आ जाओगे टाइगर। ओके, तो इतनी जल्दी आने में जो एक्साइटमेंट लेवल है वो आप उतना ज्यादा उसको ना एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन है टू मूव दिस मूवी टू लेटर पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन पीपल आर इन द फेस्टिव मूड एंड द फैमिलीज वांट टू गो टुगेदर एंड जस्ट हैव फन बी एंटरटेन्ड, तो ये डिसीजन मुझे लगता है कि ठीक है, कोई इतना बुरा डिसीजन नहीं है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जिस तरीके से लोगों का आजकल का एक्सपेक्टेशन हो गया है कि हमें टीजर, ट्रेलर, पोस्टर एकदम दमदार चाहिए और वहीं पर ही हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है, तो यू हैव टू गेट इट राइट। और सेकेंडली, थर्डली रादर, आपके VFX वगैरह ये जो होगा, ऑब्वियसली इसमें एक्शन खूब सारा है तो उसमें होगा ही होगा, इफ यू गेट इट स्लाइटली रॉन्ग देन यू विल बी ट्रोल्ड बैडली। सो और पीछे आपने देखा है कि यश चोपड़ा की जितनी भी मूवीज आई हैं यशराज स्टूडियो से, वो कोई बहुत ज्यादा चली नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र। सो दे हैव टू गेट इट राइट, दे इवन इफ दे हैव टू रीशूट फ्यू पोर्शंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगा होगा कि मुझमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, दे मस्ट हैव रीलुक्ड एट देयर परफॉर्मेंसेज एट द रिसेंट बॉक्स ऑफिस, और उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया होगा कि मुझे थोड़ा सा और बेहतरीन इस फिल्म को बनाना है, और गैप एक अच्छी चीज है। इन बिटवीन मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि हम पठान में देख चुके होंगे तो हमें एक थोड़ा सा शांति मिल चुकी होगी, हम 2 मेगा स्टार्स को, 2 खान्स को ऑलरेडी देख चुके होंगे स्क्रीन के ऊपर, और फिर बीच में बहुत सारी और भी मूवीज आ रही है जो हमें एंटरटेन करेंगी। अब बात करें कि ये पोस्टर कैसा लगा, तो पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग है, हाफ कटआउट के तरीके से है, और मेरे ख्याल से 2 रोल जो काफी आइकॉनिक रहे हैं सलमान खान के जीवन के अंदर, वो तो सबसे पहला तो यही है टाइगर और दूसरा है दबंग। इन दोनों मूवीज के लेके एक्साइटमेंट जो होते हैं हमेशा बनी ही रहती है, और वो पोस्टर कटआउट भी काफी ज्यादा इंट्रीगनेस क्रिएट करता है। हाफ प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि कीप गेसिंग, हाफ प्रोफाइल मतलब हाफ शॉट, तो वो काफी अच्छा मुझे पोस्टर भी लगा। बाकी वी विल एंजॉय ऑन दिवाली 2023। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।